हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल गुप्ता। मैं gatelectures.com से, आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही है नोटिफिकेशन की, जिसमें हम आपको जॉब्स के बारे में बताएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, PSU जॉब हो या फिर एनोमिनस जॉब हो। आज हम बात करने वाले हैं DRDO की। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने एक पोस्ट निकाली है, साइंटिस्ट पोस्ट भी, रिक्रूटमेंट फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने साइंटिस्ट पोस्ट भी निकाली है। DRDO रिक्रूटमेंट साइंटिस्ट पोस्ट बी के लिए, ये पोस्ट रिलेटेड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जो भी वहाँ पे होगी स्पेस एप्लीकेशन के अंदर जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होगी, ये पोस्ट उससे रिलेटेड है। इसका आप जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो 16 दिसंबर 2017 से लेकर 6 जनवरी 2018 तक कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसीज है 9 खाली CSC स्टूडेंट्स के लिए। DRDO साइंटिस्ट बी पोस्ट की पोजीशन लेवल 10 पे मैट्रिक्स में यंग ग्रेजुएट्स को पे कर रहा है विद मिनिमम कम से कम 56,100 रुपये पर मंथ, जिसके अंदर आपको हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग से मिलेगा। टोटल एनरोलमेंट्स मेट्रो सिटी में करीब 80,000 पर मंथ की रहेगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? आप या तो BE या BTech या उसके बराबर की कोई भी क्वालिफिकेशन, जिसमें आपके मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स या फिर आपके CGPA 6.75 आउट ऑफ 10, 10 में से 6.75 कम से कम आपके होने चाहिए। इसके अंदर एज लिमिट कैंडिडेट्स के लिए, जब तक ये एडवर्टाइजमेंट बंद नहीं होती तब तक के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। DRDO में 28 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। ADA में आप 30 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए DRDO में 31 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए और ADA में 33 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। SC और ST कैटेगरी के लिए DRDO में 33 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, ADA में 35 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें खाली जो इंडिया के देशवासी है वो ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं DRDO पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता। DRDO ने अपर एज में छूट दी है गवर्नमेंट के नियम अनुसार, जिसके हिसाब से 10 साल तक PWD कैंडिडेट्स को छूट दी गई है और अप टू 5 ईयर्स मतलब 5 साल तक जो लोग सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वर्किंग इन पोस्ट, जो पोस्ट में काम कर रहे हैं या तो उन्हीं सेम फील्ड में या फिर उनके साथ अलाइक कैडरेस की तरह, जहाँ पे एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकती है, या फिर एक सर्विसमैन जिसने पहले से SSCOs रह चुका है या ई की, या फिर एक सर्विसमैन जो पहले से SSCOs रह चुका है या फिर ECOs रह चुका है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट के नियम अनुसार। आप इस फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? स्टेप 1, इसका लिंक अवेलेबल है www.rac.gov.in। स्टेप 2, उसके वहाँ पे जो भी एक हेडिंग आएगी जिस पे लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उस पे आपको जाके क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने कर्सर को नीचे घुमाते हुए देखना है जहाँ पे पोस्ट नेम लिखा है उस पे क्लिक करना है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अपने कीबोर्ड से बैक या फॉरवर्ड बटन ना दबाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका सारी सेटिंग्स ख़राब हो जाएगी और दोबारा से आपको फॉर्म भरना पड़ सकता है। इस फॉर्म की राशि 100 रुपये है फॉर जनरल एंड OBC मेल कैटेगरी, लेकिन SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स को कोई भी इसके लिए पैसे जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ये फॉर्म फ्री है। जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, या तो इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, या फिर ऑफलाइन विज़िट कर सकते हैं अपने सबसे करीबी SBI ब्रांच। जब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तब आपको अपने आप कंप्यूटर एक नए पेज पे लाएगा जिसका नाम स्टेट बैंक मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम होगा, जिसको हम MOPS भी कहते हैं। उसमें से आपको कोई भी एक पेमेंट ऑप्शन
चूज करना होगा और उसके द्वारा आप अपनी फीस को पे कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भी सेंड करना चाहते हैं DRDO तिमारपुर को तो आप सेंड कर सकते हैं। इसके अंदर जो कैंडिडेट ऑलरेडी एम्प्लॉयड है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, या फिर नॉमिनस बॉडीज़ के अंदर या फिर कोई भी PSU के, उन्हें एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने CCA से अकॉर्डिंग टू जैसे कि उनके RAC वेबसाइट पे होगा वैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पोस्ट कोड के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को DRDO तिमारपुर में भेजना होगा। अगर CCA अपने पास ही NOC रखता है तो कैंडिडेट को 30 दिन के अंदर अंदर RAC को बताना पड़ेगा। जो लोग नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU या फिर ऑटोनॉमस बॉडी में काम करते हैं उन्हें कोई डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। उनको बस अपने जो भी काम के डॉक्यूमेंट है एक बार निकाल के रख लेने, जिससे जब उनकी ज़रूरत पड़े वो उनको सामने दिखा सके। चुनने का तरीका क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे स्टेप वन, सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन वहाँ पर दिखाई जाएगी जो कि जिसके अंदर हमारे गेट स्कोर कार्ड होगा। स्टेप टू क्या होगा, उसके बाद गेट स्कोर कार्ड को देखने के बाद उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, किसके बेसिस पे, जितने आपके मार्क्स आए होंगे उसके बेसिस पे और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। स्टेप थ्री, कम से कम जो क्वालिफाइंग मार्क्स SC और ST कैंडिडेट्स को चाहिए वो है 45% और जो अदर कैटेगरीज़ को चाहिए वो है 50%। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी। स्टेप फोर, स्क्रीनिंग के बाद हमें इंटरव्यू के लिए अपेयर होना पड़ेगा। स्टेप फाइव, हमारे जो गेट कार्ड होगा उसमें फाइनल सिलेक्शन दो चीज़ों के बेसिस पे होगी। वो पहली होगी गेट स्कोर कार्ड, गेट में जितने भी आपने अपने मार्क्स स्कोर करे होंगे उसका 80% वेटेज उसके अंदर गिना जाएगा और इंटरव्यू में आप जो भी इंटरव्यू देंगे उसका 20% उसमें मिला के 100% बनता है, जो कि वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया जाएगा। स्टेप सिक्स में एक रिटन टेस्ट होगा आपका स्टेप सिक्स के अंदर, जिसमें आपका जो भी पार्ट वन में एक्सेप्ट गेट स्कोर के अलावा जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो उसकी 80% लिए जाएंगे रिटन टेस्ट के द्वारा और 20% लिए जाएंगे जो आप पर्सनल इंटरव्यू दे के आएंगे। स्टेप सेवन, फाइनल सिलेक्शन आपकी डिसिप्लिन वाइज और आपके कैटेगरी वाइज जो भी आपके मार्क्स होंगे इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और जो आपने पर्सनल इंटरव्यू में स्कोर करा होगा। आपके एग्ज़ाम का प्रतिरूप क्या रहेगा, जो कि आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा रिटन टेस्ट। इसके अंदर दो तरीके के टेस्ट होंगे, पहला होगा टीयर 1, दूसरा होगा टीयर 2। टीयर 1 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं वो है 350, जिसमें कि आपको 160 मिनट का समय मिलेगा। टीयर 2 में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेंड करने हैं 60, जिसमें कि आपको 60 मिनट मिलेंगे। यानी कि टीयर 1 में 350 क्वेश्चन 160 मिनट में आपको पूरे करने हैं और टीयर 2 में 60 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में पूरे करने होंगे। थोड़ा और हम एग्ज़ाम प्रतिरूप के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर आपके हर सही जवाब पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और हर एक गलत जवाब पे आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। सेक्शन 2 में आपको अंक मिलने का प्रतिरूप इस तरीके से रहेगा कि 2 मार्क्स आपको हर सही जवाब पे मिलेंगे और हर आधा मार्क आपके 1 गलत जवाब पे कटेगा। जो आपको सावधानी बरतनी होगी वो ये है कि अगर आपने कोई भी गलत तरीके से अपने आप को सामने उनके रखा या फिर आपने कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स कोई भी उसमें गलत तरीके से गलत चीज़ें बनाई तो सिलेक्शन के किसी भी स्टेज पर या फिर आपका जो भी गंदा व्यवहार रहा तो सिलेक्शन के किसी भी स्टेज पे आपको निकाला जा सकता है। आपका पेपर कैंसिल करके आपको विदाउट एनी नोटिस आपको बिना इन्फॉर्म करे निकाल सकते हैं, बिना इन्फॉर्म करे आपको निकाल दिया जाएगा और उसके बाद आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। RAC
आपसे कभी भी पैसे नहीं लेता, बस एक टाइम पे वो आपसे पैसे लेता है जब आप एप्लीकेशन फीस देते हैं, जो कि हमारी कितनी है, ₹100। ज़रूरी संपर्क विवरण, जितनी भी आपकी ऑनलाइन, या तो आपको कोई भी ऑनलाइन अप्लाई करने में दिक्कत आती है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, 011-238-30599, या फिर उनके ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं, जो कि है pro@recruitment.drdo.in। या फिर आपकी कोई अलग से क्वेरी होती है इस एडवर्टीजमेंट के रिकॉर्डिंग, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं 011-238-1295, उनका एक्सटेंशन नंबर है 402। या फिर उन्हें आप सीधा ईमेल भेज सकते हैं और direct@drdo.drdo.in या फिर pro@recruitment.drdo.in। लेकिन काम करने का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक, आप इसी बीच उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको इस एग्ज़ाम में कोई भी मदद चाहिए हो तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स DRDO एग्ज़ाम के लिए YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप हमारी मदद ले सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं 9821876102/04। धन्यवाद।